पुराने दोस्त हमेशा काम आते हैं। मौजूदा वक्त में ये बात अगर रूस और भारत के संदर्भ में कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जहां पूरी दुनिया रूस को अलग थलग करने में जुटी है, इसी बीच भारत और रूस की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। अब खबर है कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI और बैंक ऑफ रशिया अगले हफ्ते एक बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय पेमेंट सिस्टम को लेकर होने वाली है। अगर इस सिस्टम पर सहमति बन जाती है तो दोनों देशों के बीच पेमेंट करना आसान हो जाएगा और इसमें किसी तरह के इंटरनेशनल प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। बीते फरवरी से ही रूस और यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और इसी कारण से डॉलर को छोड़ भारत और रूस के बीच अपने अपने करेंसी में कारोबार की बात की जा रही है। दोनों केंद्रीय बैंकों के अधिकारी अगले हफ्ते बैठक कर लोरो या नोस्त्रो तरह के खाते खोलने पर बातचीत कर सकते हैं। पहला वाला एक थर्ड पार्टी अकाउंट होता है जहां एक बैंक देश में दूसरे बैंक के लिए खाता खोलता है, जबकि दूसरे वाले ऑप्शन में एक बैंक किसी दूसरे देश के किसी और बैंक में खाता खोलता है। ईटी के सूत्र कहते हैं कि दोनों केंद्रीय बैंक ये देखेंगे कि कैसे ये खाते भारत और रूस की मुद्राओं में खोले जा सकते हैं। इस बैठक में केंद्रीय बैंकों के अलावा दोनों देशों के मंत्रालयों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारी शामिल होने की भी संभावना है। हालांकि इस बारे में RBI और बैंक ऑफ रशिया ने कोई जानकारी नहीं दी है। बैठक में कई और बैंक के प्रतिनिधि भी बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि NPCI और FEDAI के अधिकारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जब दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की शुरुआत की तो रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचने की पेशकश की। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद रूस अब भारत को तेल आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस मामले में अब रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। अभी भारत सबसे अधिक कच्चा तेल इराक से आयात करता है। भारतीय तेल रिफाइनरियों ने मई से रूस से लगभग 2.5 करोड़ बैरल तेल खरीदा है। यह भारत के कुल तेल आयात का 16% से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।